दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट आई है जो कि 340 सीआरपीसी से रिलेटेड है, और ये जजमेंट है 13 अगस्त 2024 की। एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जो कि अराइजेस हुई थी स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल नंबर 9783 ऑफ 2023, इसमें अपीलेंट वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एनआरएस का ये केस है। और यहाँ पर आइए हम इसके थोड़े फैक्ट्स को देखते हैं, क्योंकि जजमेंट को डिटेल में देखते हैं क्या कहा था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। ये थ्री बेंच जजेस की जो बेंच है, उन्होंने ये जजमेंट है वो प्रोनाउंस की थी। तो इसमें जो अपीलेंट हैं, उन्होंने एक फाइनल ऑर्डर था हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड का, नैनीताल का, जिसमें बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन थी, जो कि वो एप्लीकेशन थी वो खारिज कर दी थी। लेकिन ये ऑब्जर्व किया था कि जो ये प्रेजेंट अपीलेंट हैं, उन्होंने एक इंटेंशनली फॉल्स एफिडेविट हाईकोर्ट में दिया था, और डायरेक्शन इशू हुई थी रजिस्ट्रार जुडिशियल ऑफ हाईकोर्ट की कि वो इनके अगेंस्ट में कंप्लेंट है वो फाइल करें। तो ये फॉल्स एफिडेविट था, वो एक दिया गया था, ऐसा हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया, और डायरेक्शन दी थी कि उनके जो रजिस्ट्रार हैं जुडिशियल के, कि इनके अगेंस्ट हैं वो एक कंप्लेंट लॉन्च करें। तो ये 340 सीआरपीसी की कॉन्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं वो कुछ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट जो है वो रजिस्ट्रार को ही डायरेक्शन देता है अगर कोई भी फॉल्स एफिडेविट अगर फाइल किया जाता है, फॉल्स अफर्मेंट दी जाती है किसी भी स्टेटमेंट। तो यहाँ पर अब क्या था, केस क्या था, वो उसके ऊपर चलते हैं, जो जिसकी वजह से अपील थी वो फाइल की गई। जो देखिए, ये फैक्ट्स के ऊपर बताया गया कि जो अपीलेंट को एक एफआईआर में अक्यूज्ड बनाया गया था 376 और 504 इंडियन पिनल कोड में, जिस सेकेंड रिस्पॉन्डेंट ने इस ग्राउंड पे कि उन्होंने एक रिलेशंस थे वो बनाए गए थे, मीन्स ड्यूटी फॉल्स प्रोटेक्स्ट ऑफ मैरिज, और उसके बाद जो मींस ये रिलेशन का काफ़ी कंटिन्यू तक रहे, और 376 का जो केस था यहाँ पे। और एफआईआर जब रजिस्टर्ड हुई तो अपीलेंट ने बेल के लिए अप्लाई किया एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज नैनीताल में, जो कि खारिज हो गई। अब अपीलेंट ने जो एक का जो केस था वो बेल एप्लीकेशन हाईकोर्ट में पेंडिंग, मीन उन्होंने फिर आगे फिर चैलेंज किया होगा, तो ये हाईकोर्ट में गया केस। तो 8 जून 2021 को अपीलेंट की जो बेल एप्लीकेशन थी वो अलाउ हो गई। अब यहाँ पर जो कंप्लेनेंट थी, उन्होंने अपनी एक कैंसिलेशन ऑफ बेल की एक एप्लीकेशन लगाई जो नंबर 100 था, और कई ग्राउंड्स थे उसमें अर्जस्ट किए, और कहा कि अपीलेंट ने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दिए हैं, और हाईकोर्ट ने जो चूंकि जो एप्लीकेशन थी कैंसिलेशन ऑफ बेल की उसको खारिज कर दिया अपनी जजमेंट में, और ऑब्जर्वेशन भी इशू किए, लेकिन जो डायरेक्शंस थे वो अब कुछ इशू के जो कि अपील में एडजुडिकेट किए जाएंगे बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। बिफोर दिस कोर्ट मींस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वो सारे जो डायरेक्शंस थे वो उसको एक सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशन का बन रहा है। और ऑर्डर जो था 1 अक्टूबर 2022 का ऑनरेबल सिंगल जज का, उन्होंने जो बेल कैंसिलेशन की जो एप्लीकेशन थी, मींस जो वुमेन ने एक एप्लीकेशन लगाई थी कि बेल इनकी कैंसिल कर दी थी, लेकिन उसको कैंसिल डिसमिस कर दिया था। और लेकिन अब यहाँ पर बताया कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द फैक्ट्स थे एफिडेविट में जो फाइल किए गए थे कंप्लेनेंट ने एंड द प्रेजेंट अपीलेंट ने, और कंप्लेनेंट ने जो अपना एफिडेविट दिया था उसमें कुछ इवेंट्स थे, सर्टेन इवेंट्स थे जो कि हुए थे, और प्रेजेंट अपीलेंट ने डिनाई किए थे, और कुछ और अपनी एक्सप्लेनेशंस के साथ उसको डिनाई किया था। और फिर बाद में ये बताया गया कि फर्दर नोट ये किया गया कि जो स्टेट का एफिडेविट था वो सपोर्ट कर रहा था प्रेजेंट रिस्पॉन्डेंट की मींस पोजीशन को सपोर्ट कर रहा था। अब कॉन्ट्रडिक्शंस आ गए थे फिर उसमें तो, और उसमें जो प्रेजेंट अपीलेंट ने मींस ये नोटिस किया प्रेजेंट अपीलेंट के खिलाफ कि उन्होंने कोर्ट को असिस्ट नहीं किया कि सही फैक्ट है वो जो 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 सच्चाई थी, जो इंसिडेंट हुआ था 24 जुलाई 2022 का, उन्होंने एक अपीलेंट ने असिस्ट नहीं किया सही जो इवेंट हुआ था 24 जुलाई 2022 का। तो इसकी वजह से उन्होंने कंक्लूड किया कि अपीलेंट ने एक फॉल्स एफिडेविट है वो कोर्ट के समक्ष है वो फाइल की है, उसके जो पैराग्राफ्स थे वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए गए हैं। अब उस ऑर्डर के अगेंस्ट में कंप्लेंट थी, मींस जो कंप्लेंट थी वो 193 इंडियन पिनल कोड की, जो कि कहती है कि फर्निशिंग फॉर पनिशमेंट फॉर द फर्निशिंग द फॉल्स एफिडेविट, जो फॉल्स इंफॉर्मेशन टू द कोर्ट, वो फाइल हुई चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नैनीताल में, और कंप्लेंट नंबर बना 100, टाइटल था स्टेट थ्रू रजिस्ट्रार जुडिशियल ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस 100, मींस जो अपीलेंट का नाम है। और अब बाय द वे ऑफ स्पेशली पिटीशन में ये अरेस्ट किया गया कि
इस अपील में ये ग्राउंड लिया गया कि कुछ अवर्मेंट्स को डिनाई करना, मीन जो प्लीडिंग में जो कुछ अवर्मेंट्स होती हैं, कुछ स्टेटमेंट होती है, उसको डिनाई करना क्या मतलब, यानी कि वो परजरी हो जाएगी। तो और साथ में ये भी अर्ज किया गया कि कोर्ट जो है वो इज नॉट बाउंड टू मेक अ कंप्लेंट, कोर्ट को इसमें कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए थी 195 सब पार्ट 1 सब पार्ट बी ऑफ सीआरपीसी के तहत, जब तक कि कोई ओपिनियन ना बनता हो कि ये एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में जरूरी है। तो ये यहाँ पर ये मीन्स 340 की एप्लीकेशन नहीं फाइल की गई थी, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर अपना जो ऑब्जर्वेशन थी हाई कोर्ट ने वो मीन्स इस अपने ऑब्जर्वेशन ली और उसके उनके खिलाफ में अपीलेंट के खिलाफ में 195 सब पार्ट 1 सब पार्ट बी सीआरपीसी का जो प्रोसीड था कि सिर्फ वही कोर्ट है वो कॉजिनेंस ले सकती है जहाँ फॉल्स स्टेटमेंट दी जाती है। तो यहाँ पर अपने ग्राउंड ये रेज किया गया था कि अपीलेंट मीन्स कोर्ट को इसमें इतना कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, और फिर जजमेंट थी इकबाल सिंह मरवा वर्सेस मीनाक्षी मरवा की जजमेंट पर रिलाई किया। काउंटर एफिडेविट में ये कहा गया कि अपीलेंट ने एक मिसरिप्रेजेंट किया गया, मीन्स स्टेट की साइड से कंप्लेंट की साइड से काउंटर एफिडेविट जो था वो फाइल किया गया, उसमें ये कहा कि अपीलेंट ने मिसरिप्रेजेंट किया और सर्टेन फैक्ट्स को ट्विस्ट किया। और क्योंकि अब फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि वो रिलेशंस में थे सेकंड रिस्पॉन्डेंट के साथ, जबकि उनकी जो मैरिज जो है किसी और के साथ हो गई थी, अपीलेंट ने फोर्स किया था कंप्लेंट को कि उनकी जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दें रिस्पॉन्डेंट ने, इन द व्यू ऑफ अबव कि एक हाई कोर्ट में सबमिट किया जो कि जस्टिफाइड बनता है कि उनके खिलाफ कंप्लेंट लगाई जाए। तो इस जंक्शन में जो फॉर रेडी रेफरेंस तो उस रेलिवेंट पैराग्राफ्स थे वो यहाँ पर कोर्ट ने अपने रिप्रोड्यूस किए और यहाँ पर देखा कि क्या था क्या कह रहे थे वो पैराग्राफ्स, ये सारे पैराग्राफ्स किए। फिर उसके बाद अपीलेंट ने अपना एफिडेविट दिया तो उसके क्या पैराग्राफ्स थे वो यहाँ पर मेंशन किया। अब दोनों फैक्ट्स को देखने के बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन जो आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि क्या जो कंटेंट्स ऑफ एफिडेविट जो फाइल किए गए थे हाई कोर्ट में जो कि एज ए नोट ऑफ द इम्पीच्ड जो इम्पीच्ड ऑर्डर में जो बताया गया है, तो क्या वो जो कंटेंट्स ऑफ एफिडेविट फाइल करने से क्या ये ऑफेंस बनता है 193 इंडियन पीनल कोड एज डिफाइंड इन 191 इंडियन पीनल कोड के तहत। 191 इंडियन पीनल कोड क्या कहता है उसके कंटेंट्स के लिए जो कि गिवन फॉल्स एविडेंस के बारे में बताया गया है, जो कि आप बेयर एक्ट में भी देख सकते हैं 191 आईपीसी क्या कहता है, और सेक्शन 193 बताता है पनिशमेंट फॉर द फॉल्स एविडेंस। तो ये जो इंडियन पीनल कोड की डेफिनेशन थी वो यहाँ बताई गई है। और सेक्शन 195 बी सब पार्ट 1 सीआरपीसी जो है वो कहता है कि कोई भी कोर्ट कॉजिनेंस नहीं ले सकता है जो भी ऑफेंस कमिट हुआ हो 193 से लेकर 196 तक 99, 200, 205 से 211 एक्सेप्ट इन द कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ द कोर्ट बाय द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ड्यूली ऑथोराइज। या तो कोर्ट कंप्लेंट लिख करके दे या फिर कोई ऑथोराइज ऑफिसर होगा और जो ड्यूली ऑथोराइज होगा, जैसे कि हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार होते हैं वे ड्यूली ऑथोराइज होंगे। और 340 जो सीआरपीसी के कंटेंट्स यहाँ पर लिखे कि वो क्या मेंशन करता है, वो प्रोसीजर बताता है कि किस तरीके से प्रोसिक्यूशन जो है वो 195 सीआरपीसी के तहत दिया जाता है। और प्रॉपर अप्रोच थी 193 की इंडियन पीनल कोड की, वो एक जजमेंट आई थी डॉक्टर एसपी कोहली सिविल सर्जन फिरोजपुर वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ हरियाणा थ्रू रजिस्ट्रार। तो उसमें भी जो पैराग्राफ थे यहाँ पर कंटेंट्स रिप्रोड्यूस किए, हिमांशु कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ चंडीगढ़ एंड अदर्स। और यहाँ पर बताया गया एक ही पैरा 13 में बताया गया कि प्रोसिक्यूशन तभी सेंक्शन होना चाहिए इस सेक्शन के अंदर जब थ्री बेंच की जो जजेस आई थी, एक छज्जू राम वर्सेस राधे श्याम एंड अदर, इस जजमेंट को भी उन्होंने रिलाई किया, हिमांशु कुमार वर्स एंड नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव स्टेट ऑफ बिहार। तो इस रिगार्ड पे यहाँ पर प्रोनाउंसमेंट आई थी एक आर एस सुजाता वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका और आरिश असगर कुरेशी वर्सेस फरीद अहमद कुरेशी, इन जजमेंट्स को भी यहाँ पर कोर्ट ने कंसिडर किया। और तीन फैक्टर्स असेंशियल फैक्टर्स जो कि इम्पॉर्टेंट है इंडियन पीनल कोड 193 आईपीसी में, जो कि भीमा राजू प्रसाद वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सीबीआई एसपी एसीयू थे। पहले क्या जो इंग्रीड थ्री एसेंशियल फैक्टर्स क्या हैं कि पहली जो स्टेटमेंट जो है वो ओथ में या एफिडेविट में दी जानी चाहिए। जब भी कोर्ट में कोई स्टेटमेंट दी जाएगी चाहे वो ओथ में दी जाएगी एफिडेविट में दी जानी चाहिए, ऐसे में तभी वो ये इंग्रीडियंट है 193 का अट्रैक्ट होगा। और सच स्टेटमेंट मस्ट बी मेड इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, मीन्स कोर्ट की कार्रवाई में ये स्टेटमेंट देनी जरूरी है। और सच स्टेटमेंट मे बी मेड बिफोर एनी अथॉरिटी, बिफोर एन अथॉरिटी, सॉरी एन अथॉरिटी बोला गया है, दैट हैज एक्सप्रेसिवली डीम्ड टू बी अ कोर्ट। तो मीन्स अथॉरिटी के पास ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए जो कि एक कोर्ट का दर्जा रखती हो। तो कोर्ट का दर्जा में जितने भी ट्राइब्यूनल्स आते हैं, इवन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल भी आ गया, और आपके
एसएटी भी आ गया, एनसीडीआरसी भी आ गया, तो ये सब कोर्ट का दर्जा दिया गया है उनको, तो हर अथॉरिटी के सामने वो स्टेटमेंट मायने नहीं रखेगी, जो कोर्ट का दर्जा दिया गया हो तो उसी में ये स्टेटमेंट जो है वो मानी जाएगी। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट सेटिस्फाइड होने चाहिए। अब यहाँ पर कोर्ट ने ये कंक्लूड किया कि जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट होने के बाद यहाँ पर ये कोर्ट ने रिप्रोड्यूस किया कि द कोर्ट जो है वो पहले तो एक प्राइम फेशियल ओपिनियन बनाए कि एक सफिशिएंट और रीजनेबल ग्राउंड बनते हैं इन प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करने के लिए अगेंस्ट द पर्सन जिसने एक फॉल्स स्टेटमेंट दी है। तो पहले प्राइम फेशियल ओपिनियन जब तक कोर्ट नहीं बनाएगी तब तक नहीं कुछ किया जा सकता। तो प्राइम फेशियल ओपिनियन बनाई जाए कि जो व्यक्ति है उसकी और कि एक सफिशिएंट और रीजनेबल ग्राउंड्स बनते हैं। और सेकंड पॉइंट बताया कि जो प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट होनी चाहिए अगर वो प्रोसीडिंग जो है एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए जरूरी है ताकि इस डिलिंक्वेंट पर्सन को पनिश किया जा सके। अगर जस्टिस मीन्स ताकि एक प्रेसिडेंट बन सके, एक तरह का वो बन सके कि दूसरे लोग भी उसको देख के एक मीन्स एक एक डिटरमेंट बन सके, तो ये चीज बताया कि एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में होना जरूरी है और नॉट मेनली बिकॉज ऑफ इनएक्यूरेसी इन स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट में इनएक्यूरेसी हो गई इसके बेस में तो क्या एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस बनेगा? तो कोर्ट ने ऐसे में कहा कि इनएक्यूरेसी के बेसिस पे ये नहीं माना जाएगा। कुछ भी इनोसेंट भी हो सकती है और इमटीरियल भी हो सकती है, कुछ ट्रिफलिंग जैसे वर्डिंग्स की एरर्स हो गई या कुछ मतलब टाइपोलॉजिकल एरर्स हो गई, तो इस बेसिस पे नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हर फॉल्स स्टेटमेंट में कोर्ट का मतलब ये हुआ कि एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस होना जरूरी है। कुछ इनएक्यूरेसी हो गई या कुछ इमटीरियल या कुछ ट्रिफलिंग या कुछ इनोसेंट जो मिस्टेक्स होने से ये नहीं कि एरर्स होने से ये नहीं कि वो एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस होगा। और फिर थर्ड इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट जरूरी था वो था कि डिलिबरेट फॉल्सहुड और ऑन ए मैटर ऑफ सब्सटेंस, मतलब जानबूझ के उसने फॉल्स स्टेटमेंट दी जाए को, जब कोई एक सब्सटेंस का मैटर हो डिलिबरेट फॉल्सहुड होना जरूरी है। इनोसेंटली रॉन्गली कुछ हो जाए एरर तो ऐसे नहीं, डिलिबरेटली मतलब जानबूझ के पूरे होशोहवास में उसको पता हो कि मैं ये फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा हूँ और जो मैटर ऑफ सब्सटेंस में उसको कुछ मीन्स मतलब किसी सब्सटेंस के मैटर पे उसको एक डिलिबरेट फॉल्सहुड दी जाती है। अब कोर्ट शुड बी सेटिस्फाइड कि एक रीजनेबल फाउंडेशन भी बन रही है इस चार्ज की विद डिस्टिंक्ट एविडेंस एंड नॉट मेड ऑफ सस्पिशन, यानी शक के आधार पे नहीं कि इसको मीन्स प्रोसीडिंग स्टार्ट किया, कोर्ट को लगे कि एक रीजनेबल फाउंडेशन बन रही है कि एक डिस्टिंक्ट एविडेंस भी है और प्रोसीडिंग्स शुड बी इनिशिएटेड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस मींस रूटीन मैनर पर नहीं। अगर ऐसे रूटीन मैनर पे क्योंकि कोई भी सिविल सूट फाइल करता है तो उसमें एक स्टेटमेंट देता है उसमें डिनायल करता है तो ऐसे में करने लगे तो सब पे 340 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसने कहा कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस पे प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होनी चाहिए और पार्टी जब ये पार्टी परज्योर्ड है देमसेल्फ जो पार्टीज को उसमें कोई फायदा भी होना चाहिए इस ऑर्डर से जो कुछ ऑब्टेन कर रहे हैं कोर्ट से तो उसको कोई फायदा हो रहा हो तभी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस पे ये चलना चाहिए। अब यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि जो स्टेटमेंट जो दी गई थी अपीलेंट ने अब इस फैक्ट्स पे आए वो दैट हैज डीम्ड टू बी फिटिंग ऑफ द ऑफेंस ऑफ द गिविंग फॉल्स एविडेंस बिफोर द कोर्ट इज विच इज कॉमनली एज ए परजरी वाज मोर इन नेचर ऑफ डिनायल ऑफ द स्टेटमेंट मेड इन एफिडेविट ऑफ द कंप्लेंट देना है। तो कोर्ट ने कहा कि जो स्टेटमेंट दी थी वो एक प्रकार की डिनायल स्टेटमेंट थी जो एफिडेविट कंप्लेंट ने दिया था, तो उसने उसको जो एलिगेशन लगाई थी जब कोई जो भी स्टेटमेंट था उसको डिनाई किया था। तो वी आर ऑफ दिस व्यू कि एक डिनाइल सिंपलिस्ट है, कोई एक आदमी गवर्नमेंट दे रहा है और उसको आप डिनाई कर रहे हो तो ये डिनाइल सिंपलिस्ट है, ये नहीं बनता है कि एज डिस्क्राइब्ड इन जजमेंट अबव कि कोई मैलिफाइड इंटेंशन या डिलीबरेट अटेम्प्ट किया जा रहा है फ्रॉम द स्टेटमेंट मेड बाय द अपीलेंट इन द एफिडेविट। तो एज अर्लियर अबव कि सिर्फ शक के आधार पे या इनएक्यूरेसी स्टेटमेंट के बेसिस पे ये ऑफेंस जो है अंडर दिस सेक्शन नहीं अट्रैक्ट होता है। तो इट कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड कि द स्टेटमेंट जो दी गई थी इस एफिडेविट में वर ओनली टू स्टेट हिज मीन्स उसने सबने जो स्टेटमेंट दी थी वो उसने अपना सिर्फ वर्जन दिया था जो इवेंट्स हुए थे और उस वर्जन को डिनाई जो किया था जो कंप्लेनेंट ने जो अपना स्टेटमेंट दी थी। तो वी आर ऑफ दिस फ्रेम व्यू कोर्ट ने कहा हमें स्ट्रॉन्ग व्यू ओपिनियन ये देते हैं कि इस प्रकार के जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस नहीं बनती है और ना ही कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस बनते हैं जिसमें ये सेक्शंस जो है इन्वोक किए जा सके। तो इस प्रोसीडिंग्स को देखते हुए कि ऑफेंस बनता है प्रोसीडिंग वुड कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अपीलेंट इज ऑलरेडी फेसिंग द ट्रायल क्योंकि अपीलेंट ऑलरेडी फेस कर रहे हैं ट्रायल में तो कोर्ट ने कहा ये इस अनइक्वेबली इससे ये नहीं निकालना चाहिए कि एक प्रकार की एक डिलिबरेट फॉल्सहुड हुआ है इन द मैटर ऑफ द सब्सटेंस, मैटर ऑफ सब्सटेंस पे नहीं है। तो वी फाइंड थ्री पॉसिबल सिनेरियोस जो भी बताए गए थे ऊपर माननीय कोर्ट ने बताया
वो जस्टिफाइड बनते हैं कि इस प्रकार की प्रोसिक्यूशन चलाना काफी अनजस्ट होगा। और रिस्पॉन्डेंट ने अपने काउंटर एफिडेविट ने जो कोर्ट के समक्ष फाइल किया, तो कोई पर्टिकुलर एलिगेशन आई, कोई ऐसा मटीरियल बताया जो कि प्लेस किया गया हो कॉम्पिटेंट प्रोसीडिंग मीन्स प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटीज ऑफ द कोर्ट। तो सिर्फ उन्होंने इतना ही अलेज किया था कि अपीलेंट ने ये बताया कि एक घटना मीन्स एक डेट बताया कि कोर्ट जो है वो करेक्ट थी जब वो इनिशिएट की थी प्रोसीडिंग्स और जो फॉर मेकिंग द फॉल्स स्टेटमेंट। उन्होंने फर्दर स्टेटमेंट जो बताई कि जो कि आउट ऑफ द स्कोप ऑफ प्रेजेंट एडजुडिकेशन होता है इसमें। और यहाँ पर डिस्कशंस पे देखने के बाद कोर्ट की जो डायरेक्शन थी हाई कोर्ट की उत्तराखंड की, उसको सेट असाइड कर दिया। जो उसको डायरेक्शन दी थी कि कंप्लेंट इनके लिए रजिस्टर की जाए और कोई भी प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई है तो उसे कहा कि उसे भी क्वेश्चन कर दी जाए। अपील जो है अकॉर्डिंगली अलाउ कर दी गई अपीलेंट की। और ये मैटर को खत्म करने के बाद पहले ये कोर्ट ने एक आदि क्लैरिफाई कर दिया कि इसका अपील का जो डिसीजन है कोई बेयरिंग नहीं होगा क्रिमिनल केस जो पेंडिंग है अगेंस्ट द अपीलेंट, और जो कि डिसाइड किया जाएगा जो भी प्रोसीड होगा अपने नॉन मेरिट्स पे, और पेंडिंग एप्लीकेशन भी थी उसको भी डिस्पोज कर दी। तो ये जजमेंट आई थी 13 अगस्त 2024 की। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर, और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।